स्टूडेंट्स, आई एम नीलम, योर केमिस्ट्री टीचर। हमने चैप्टर पढ़ा था बेसिक कॉन्सेप्ट, चैप्टर वन। उसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 जो है, इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हमारा पास्ट पेपर के अकॉर्डिंग, उसको हम आज सॉल्व करेंगे। छोटे छोटे से न्यूमेरिकल पार्ट है इसमें। इसमें हमने क्या करना है कि कैलकुलेशन करनी है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, कैलकुलेट ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वान्टिटीज़। इसमें हमारे पास ए पार्ट है, मैस इन ग्राम्स ऑफ 2.74 मोल्स ऑफ KMnO4, कि हमारे पास मैस इन ग्राम ऑफ 2.74 मोल्स ऑफ KMnO4 में इनके हमें मोल्स गिवन है और मैस हमने क्या करना है, इसका कैलकुलेट करना है। गिवन डाटा हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 कितने हैं, 2.74 मोल्स। मैस इन ग्राम ऑफ KMnO4 हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 फार्मूला अप्लाई करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 इज इक्वल टू मैस ऑफ KMnO4 और फार्मूला मैस ऑफ KMnO4। अब इसके लिए हमें क्या चाहिए, मैस तो हमने कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मोल्स हमें गिवन है 2.74 और फार्मूला मैस ऑफ KMnO4 हम क्या करेंगे, पहले कैलकुलेट करेंगे। पोटाशियम का मोलर मैस कितना होता है, 39, मैगनीज का है 55 और एक ऑक्सीजन का 14 है, उसको 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है 64। मीन के तीनों को ऐड करें तो हमारे पास जो मोलर मास आ रहा है वो आ रहा है 150 ग्राम पर मोल। अब हम इसी वैल्यूज़ को क्या करेंगे, फार्मूला में पुट करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स कितने थे, 2.74, मास कितना है हमारे पास वो हमने कैलकुलेट करना, और मोलर मास था हमारे पास 158 ग्राम पर मोल्स। फार्मूला को रीअरेंज करें तो जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मोलर मास के साथ। या आप ये कह दें कि मोलर मास उधर जाके नंबर ऑफ मोल्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कैलकुलेट क्या करेंगे, मास ऑफ KMnO4। मास ऑफ KMnO4 इज इक्वल टू 158 ग्राम पर मोल्स मोलर मास एंड 2.74 मोल्स। अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मास ऑफ KMnO4। इस तरह से हमने क्या किया है, इसका मास जो है वो कैलकुलेट किया है, जो कितना आ रहा है 432.92 ग्राम। क्या किया हमने इसमें कि हमने मैस इन ग्राम ऑफ 2.74 मोल्स ऑफ KMnO4 है, नंबर ऑफ मोल्स हमें गिवन है 2.74, मोलर मास हमने कैलकुलेट किया है और उसके बाद हमने इनका मास निकाल लिया। मास कितना आया हमारे पास, 432.92 ग्राम। यह आपका इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है पास्ट पेपर के अकॉर्डिंग। इसका हम बी पार्ट सॉल्व करेंगे। बी पार्ट है हमारे पास, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 9.00 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट MgNO3 होल ट्वाइस। मैस कितना है, 9.00 ग्राम। कैलकुलेट हमने क्या करना है, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। मैस ऑफ मैग्नीशियम नाइट्रेट कितना है, 9.00 ग्राम। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम हमने कैलकुलेट करने हैं। फार्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम नाइट्रेट इज इक्वल टू मास ऑफ मैग्नीशियम नाइट्रेट ओवर मोलर मास ऑफ मैग्नीशियम नाइट्रेट। मोलर मास कितना आएगा, हम इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मास हमें गिवन है 9.00 ग्राम। मोलर मास हमने कैलकुलेट करना है, वो कितना है, मैग्नीशियम का 24, नाइट्रोजन का 14 है, ठीक है, नाइट्रोजन का 14 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 28। और ऑक्सीजन कितनी है हमारे पास, ऑक्सीजन हमारे पास एक ऑक्सीजन का 16 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन हमारे पास कितनी आ रही है, टोटल 6। हम उससे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल जो मोलर मास आ रहा है वो आ रहा है 148 ग्राम पर मोल। यहाँ इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारे पास 24 ग्राम किसका मोलर मास है, मैग्नीशियम का, ठीक है, तो नाइट्रोजन का कितना है 14, ऑक्सीजन का कितना है 16, और ऑक्सीजन है कितनी 3। तीनों को आप क्या करेंगे, 14 प्लस 3 को 16 से मल्टीप्लाई कर, जितना मोलर मास आता है आप उसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर उसको 24 में ऐड करें तो आपके पास जो मोलर मास आ गया वो है 148 ग्राम पर मोल, ठीक हो गया। अब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम नाइट्रेट हमने कैलकुलेट करने हैं, मास कितना था 9.00 ग्राम, मोलर मास कितना आया है 148 ग्राम पर मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए 0.006 मोल। ये हमारे पास मैग्नीशियम नाइट्रेट के मोल्स आए हैं, लेकिन हमने कैलकुलेट किसके करने थे, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं। मीन के 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम नाइट्रेट कितने कंटेन कर रहा है,
सिक्स मोल। ठीक है, आप इसमें देखें कितने हैं मैग्नीशियम, नाइट्रेट में ऑक्सीजन कितनी है, थ्री, ऑक्सीजन ब्रैकेट के अंदर है, टू बाहर है, टू को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कितनी हो गई, सिक्स। मीन के वन मोल मैग्नीशियम नाइट्रेट में कितनी ऑक्सीजन है, सिक्स है। तो 0.06 मोल ऑफ मैग्नीशियम नाइट्रेट कंटेन मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम 0.06 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। जब सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 0.36 मोल, 0.36 मोल। ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स आ गए। उसके बाद हमारे पास थर्ड पार्ट है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 10.037 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। मीन के मास ऑफ कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट में कितना है, 10.037 ग्राम। और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम फिर से हमने क्या करने हैं, कैलकुलेट करने हैं। फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर सल्फेट 5H2O, मास ऑफ कॉपर सल्फेट 5H2O और मोलर मास ऑफ कॉपर सल्फेट 5H2O। कॉपर सल्फेट का मास हमें गिवन है 10.037, मोलर मास निकालेंगे, कॉपर का मोलर मास है 63.5, सल्फर का कितना है 32, ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन का 16 है तो ऑक्सीजन कितनी है 4, 4 से मल्टीप्लाई कर लें 64। वाटर मॉलिक्यूल का कितना मोलर मास आता है 18, 16 हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का और 2 हाइड्रोजन का, टोटल 18 हो गया। तो यहाँ पे कितने वाटर के मॉलिक्यूल हैं, 5, 5 को 18 से मल्टीप्लाई कर लें, जितना भी आएगा 90 आई थिंक सो, सबको आप ऐड करेंगे तो आपके पास मोलर मास आ रहा है 249.5 ग्राम पर मोल। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर सल्फेट 5H2O कितने है, 10.037 हमारे पास मास है, मोलर मास कितना है 249.5 ग्राम। डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कॉपर सल्फेट 5H2O के नंबर ऑफ मोल्स आ गए जो कि कितने हैं, 0.04 मोल्स। अब हम देखते हैं कि हमारे पास वन मोल CuSO4 5H2O है, इसने कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है, 9। काउंट कर लें, 4 यहाँ पे ऑक्सीजन है और 5 वाटर मॉलिक्यूल्स में, टोटल कितनी हो गई, 9। अब 0.04 मोल्स ऑफ कॉपर सल्फेट 5H2O है मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, मतलब कि 1 मोल में 9 थी, तो ये हमारे पास जो 0.04 मोल्स आए इसमें कितनी ऑक्सीजन है उसको हम क्या करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0.36 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम आ रहे हैं। इनके नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने हैं हमारे पास, सॉरी जो 0.04 मोल्स में कितने ऑक्सीजन एटम हैं, मोल्स हैं 0.36। अब हमने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कैलकुलेट करने हैं, तो जब भी हमने नंबर्स की बात करते हैं हम उसको एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करना। अब यहाँ पे हम एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स मल्टीप्लाई एन ए, एटम्स कितने आए 0.36, एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करें आपके पास क्या आ गया, 2.167 क्रॉस 10 टू द पावर 23 ऑक्सीजन एटम्स हैं। ठीक है, पहले आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, मोलर मास कैलकुलेट किया, फिर आपने मोल्स निकाले, फिर उन मोल्स में देखा है कि हमारे पास नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं, 0.036 आए, 0.036 को हम एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हम देखेंगे कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम हमारे पास कितने हैं, 2.167 क्रॉस 10 टू द पावर 23 एटम्स। ओके, होपफुली आपको समझ आई होगी तीनों पार्ट्स की, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।